हाय, I am Sujit Kumar from Bhaktiapur College of Engineering, Computer Science Class. आज हम लोग बख्तियारपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के कटअप के बारे में डिस्कस है। इंजीनियरिंग क्या होता है कि दो राउंड काउंसलिंग होता है, फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड। तो हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट राउंड में ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंड बताएंगे, और जो सेकेंड राउंड में होता है सिर्फ क्लोजिंग एंड बताएंगे, क्योंकि ओपनिंग एंड जो सेम होता है और जो क्लोजिंग एंड होता है उस पर एडमिशन उसके बाद नहीं मिलता है। तो चलिए और ब्रांच के कटअप के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट में हम लोग सिविल के ब्रांच के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो कैटेगरी ईवर कैटेगरी, ईवर कैटेगरी में ओपनिंग रैंक एंड ओपनिंग रैंक 193 था और क्लोजिंग रैंक 673 था, और जो सेकेंड राउंड का क्लोजिंग रैंक था वो 1519 का था। एंड दूसरे ब्रांच की बात करते हैं, ईवीसी ब्रांच। ईवीसी में क्या था, उसका ओपनिंग रैंक क्या था 790 और क्लोजिंग रैंक क्या था 1400, और जो सेकेंड राउंड में गया था वो क्लोजिंग रैंक 634 गया था। और चलिए तीसरा एससी के बारे में बात करते हैं। एससी में ओपनिंग रैंक 2252 गया था और जो क्लोजिंग रैंक था वो 3239 गया था। सेकेंड राउंड में क्लोजिंग रैंक 3868 गया था। एंड हो गया इसके बाद दूसरे ब्रांच की बात करते हैं। दूसरे ब्रांच है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग यूआर कैटेगरी, यूआर कैटेगरी की जो ओपनिंग रैंक है वो 196 था एंड क्लोजिंग था 636, और सेकेंड राउंड में जिसका क्लोजिंग रैंक किया था 1118। ईवीसी का ओपनिंग रैंक था 653, क्लोजिंग किया था 1052, और सेकेंड राउंड में किया था क्लोजिंग रैंक 1463। एससी का बात करते हैं, एससी का जो फर्स्ट राउंड का जो ओपनिंग रैंक था 1684 एंड क्लोजिंग रैंक था 4089, सेकेंड राउंड का जो क्लोजिंग रेट था 4704 गया था। चलिए अब तीसरे ब्रांच की बात करते हैं, तिरफर की, जिसका यूवर का ओपनिंग रैंक गया था 397, क्लोजिंग रैंक गया था 1194, सेकेंड राउंड में क्लोजिंग रैंक 1931 गया था। मतलब ईवीसी ओपनिंग रैंक 1334, क्लोजिंग रैंक 1721, सेकेंड राउंड का क्लोजिंग रैंक 2652। एससी का बात करते हैं, एससी का जो फर्स्ट राउंड का ओपनिंग रैंक था वो 3321 था एंड क्लोजिंग रैंक गया था 5076, और सेकेंड राउंड का जो क्लोजिंग रैंक गया था 5446। अब तीसरा चौथे ब्रांच की बात करते हैं, मैकेनिकल ईवर कैटेगरी। ईवर का जो ओपनिंग रैंक था वो 509 था एंड क्लोजिंग रैंक गया था उसका 1725, सेकेंड राउंड में जो क्लोजिंग रैंक गया था 2665। ईवीसी का बात, ईवीसी का 1811 गया था ओपनिंग, क्लोजिंग गया था 2489, सेकेंड राउंड में गया था 2903। एससी का बात करते, एससी का जो ओपनिंग था वो 3962 गया था एंड क्लोजिंग गया था 5121, एंड सेकेंड राउंड में जो क्लोजिंग गया था वो 5987 गया था। स्पेशली कंप्यूटर साइंस के ब्रांच के बारे में जानने के लिए सुभाष भैया के पास। तो देखो एक चीज बताया था, जो जैसे कहीं भी बिहार इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है तो जेई मेन के एग्जाम के बेसिस पर होता है, परसेंटाइल आएगा उसके बेसिस पर तुमको बिहार इंजीनियरिंग में फॉर्म भरना पड़ेगा, उसमें एक अलग से रैंक आता है, तो यूजी ईएससी रैंक होता है, उसी के अनुसार जैसे देख लेते हैं कि तुम्हारा कितना परसेंटाइल आएगा उसमें एडमिशन मिलेगा। तो जैसे जेई मेन में तुमको 73% मिलता है और एसटी का कैटेगरी से हो तो तुमको एडमिशन मिल जाता है, वही यदि जनरल हो तो मिनिमम तुमको 89% आएगा ना, 89 मिनिमम है कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए, और ओबीसी का जो है 86 मिनिमम परसेंटाइल। जैसे मेरा ही आया था, मेरा यूजीएससी रैंकिंग जो था 800 के अप्रोक्स था, और इन पर उनसे पूछ लीजिए कि बताएंगे, जो कि मेरा जो मेरा एसटी कैटेगरी है तो मैं एसटी में था 21 रैंक था, और जो ईजीएससी रैंक मतलब जनरल रैंक होता है वो मेरा 2100 के अप्रॉक्स था, तो मेरा कंप्यूटर साइंस मिल गया था। एक चीज बात जान लो, जैसे अभी खाली बैठे हो कुछ नहीं कर रहे हो तो सी लैंग्वेज सीख लो, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में जो है ना यहाँ पे सी लैंग्वेज चलता है, तो सी लैंग्वेज घर पे सीखो, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं यूट्यूब से सीख सकते हो। क्या कि सी लैंग्वेज सीख कर आओगे तो इसको तुम्हें यहाँ पे और अच्छा मतलब कि
सहूलत मिलेगा पढ़ने में, मतलब कि हेल्प होगा कि चलो ठीक है कुछ पढ़ के आया तो यहाँ समझ में आएगा, तो पढ़ के आओगे तो बहुत अच्छी बात है। एक यूट्यूब पे टीचर सर्च कर लेना, सौरभ शुक्ला, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उसे सी लैंग्वेज पढ़ सकते हैं, इतना पढ़ लोगे अच्छा रहेगा। एक इंफॉर्मेशन देना था, कंप्यूटर साइंस में अगर कोई प्रॉब्लम हो जैसे एक्स फॉर एग्जाम्पल अगर सी लैंग्वेज हो, एंड्रॉयड हो, हैकिंग हो, तो इस सब के बारे में हम लोग वीडियो को अपलोड करते रहेंगे। अगर कोई दिक्कत हो, क्वारी हो, तो कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। थैंक यू।